हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी और ये शाम गाइज, आज बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है, तो अभी विशाल को बुलाते हैं और किसी मस्त सी जगह घूमने चलते हैं। भाई ये देखो, हवा भी बहुत मस्त चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। गाइज दिन में ना मैं प्लॉट में खड़ी कर देता हूँ गाड़ी, क्योंकि देखो यहाँ पेड़ की छाया रहती है। बाकी भाई साहब ये गंदी तो भाई रोज ही हो जाती है, कितनी भी सेफ्टी रख लो भाई रोज गंदी हो जाती है, रोज साफ करनी पड़ती है। अब देखो भाई फिर से धूल होगी है, और इसकी की देखो भाई कितनी मस्त है। ये देखो यहाँ से बटन है, चक्कू की तरह खुलती है, ये देखो खुल गई। अब यहाँ से अनलॉक करके अभी गाड़ी को बाहर निकालते हैं, फिर इसे करते हैं साफ। ये देखो आपके भाई की मेहनत, धन्नो भाई बिल्कुल चमका दिए बुरी तरह, आज पानी से धो दिए, थोड़ा ही टाइम लगा 10-15 मिनट में बिल्कुल चमका दी भाई। ये देखो भाई बढ़िया धो दिए पानी से, अब घूमने में भी मजा आएगा। बाकी गाइस ये अंदर से भी धुलवानी पड़ेगी, क्योंकि भाई हम रोज गाँव इधर उधर जाते हैं ना, तो बहुत गंदी हो जाती है अंदर से, मिट्टी विट्टी लग के जूतों पे। अभी ये देखो ये 620 किलोमीटर चल गई है। मैं सोच रहा हूँ यार वॉशिंग के क्यों पैसे वेस्ट करने, 1000 किलोमीटर पे फ्री सर्विस होगी ना, तभी वॉश करवा लेंगे। तो गाइज अभी विशाल आ चुका है, तो गाइज आज कहीं खेतों साइड चलते हैं घूमने। तो गाइज हमने डिसाइड किया आज रेंडमली वैसे ही कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी प्री प्लान नहीं, कहीं भी निकल जाएंगे। बाकी गाइज अब तक का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना इस गाड़ी का, भाई मजेदार है, पूरा पैसा वसूल है गाड़ी। पैसा वसूल तो यहाँ बैठ के होता है, मैं तो कह रहा हूँ ड्राइवर रख लो आप, यहाँ बैठेगा मैं पीछे बैठ जाया करूँगा। गाइज वैसे इसे ड्राइव करने से ज्यादा ना साइड की सीट पे बैठने में मजा आता है, और जितना मजा साइड की सीट पे बैठने में आता है उससे ज्यादा कष्ट होता है पीछे बैठने में। थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं होती, जब से मेरे को बच्चा रहने पीछे भी जाती है, जब से कम्फर्टेबल है। गाइज पहले इन्हें पता ही नहीं था कि सीट पीछे भी हो जाती है, ये यूं बैठे हमारे कवर बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे बैठे हम बिल्कुल। इसमें ना कोई हुक हुक नहीं है, एक रिबन टाइप का उससे पीछे होती है सीट। तो गाइस हम घूमते घूमते इतनी दूर आ गए थे, और अभी भाई पूरू का फोन आया विशाल के पास, रोने लग रहा है, यूं कह रहा मुझे वापस लेने जाओ। भाई अकेले कैसे चले भाई, छोटे बच्चों की तरह रो रहा है, कुत्ता मैं छोड़ के भाग गया मसूरी, और अब कह रहा है मेरे को लेने आ जाओ, इसी क्लास लेता हूँ उसको आना दो। भाई अकेला अकेला मसूरी भाग गया, जब तो हमें पूछ नहीं रहा, पूछना दूर की बात है, बताया भी नहीं, तो चुपचाप भाग गया भाई। यार हम भी चल रहे थे मसूरी, अब उसकी बढ़िया तरीके से क्लास लियो, ठीक है उसकी क्लास लो, गाड़ी पीछे बंद करूंगा डिक्की में। भाई 6 किलोमीटर बढ़ा दिया हमने पूरू के चक्कर में। ये देखो गाइस ये आ रहा पूरू पागल, कहाँ घूमता हुआ आ रहा है। ये देखो गाइस बेबी डॉल आ गई हमारी, फंस जाती है बेबी डॉल बार बार गाड़ी में, तेरे चक्कर में 6 किलोमीटर वापस घूम के आए हैं हम, दौलताबाद से भी आगे पहुंच गए थे भाई। गाइस देख लो ये हमारे कहने से नहीं आता कभी भी, और हम इसके कहने से कितनी वापस आए हैं। और सबसे बड़ी बात, अकेला मसूरी भाग गया भाई, लेके गया था। तो गाइस हम घूमते घूमते आ गए कंसाइंट वन, पूरू का मिक्की माउस को दाते हैं भाई, पूरू के चक्कर में बहुत लेट हो गए भाई, बहुत पहले पहुंच जाते हैं हम यहाँ पे, बहुत ही पहले, अंधेरा करवा दिया पूरू ने। तो गाइस अभी आ चुके हैं मॉल में, ये देखो हरकत है इसकी, बेटा दुकान पे कब्जा कर लेंगे भाई, विशाल इनकी दुकान पे कब्जा करना, ठीक है ओए गिर जाएगा चोट लग जाएगी। गाइस पूरू को ना अभी ट्रैम्पोलिन पे कुदाते हैं, नहीं कुदाएगा पूछ के देख लो भाई, मुझे तो लग नहीं रहा पूरू को कुदा देंगे, ट्रैम्पोलिन फाड़ देगा बच्चों का। तो गाइस अभी पूरू को लेके जा रहे हैं मिक्की माउस पे, चला जाएगा भाई एक बार झूल ले, विशाल तू जा सकता है? अरे भाई भैया अलाउड नहीं करे, मैं चला जाऊंगा, एक बार पूछ तो सही, से बिठाएंगे या नहीं। चलो तो गाइस अभी इसे लेके चलते हैं, देखते हैं इसे बिठाएंगे या नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा इसे बिठाएंगे भी। मैं तो बोल दूंगा 100-200 फालतू ले लो, इसको बिठा दो एक बार, यहां तक बिठा दो, या पूरू को इन छोटी गाड़ियों में बिठा दे, गाड़ी को चम्मर बना दो। तो गाइस अभी डरते डरते पूछने जा रहे हैं, भाई से बिठा लोगे इसे? तो वैसे बता दे, वेट कम कर ले भाई अपना। अब कहाँ जा रहा भाई, इसका वजन घटवा दूंगा मैं भगा भगा के। तो विशाल बता डोमिनोज पे चले या बीकानेर वाला पे? डोमिनोज। तो गाइस अभी डोमिनोज पे आ गए हैं पराठा पिज्जा खाने, तो गाइस अभी बैठ गए हैं, अभी 15 मिनट में पिज्जा आएगा भाई। पूरू है ना बहुत खतरनाक वाला फूडी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका फूड व्लॉग वाला चैनल खुलवा दूं, एक दिन में पूरी न्यूज़ एक्सप्लोर कर देगा ये भाई। अभी बाहर आ गए हैं, इसके अंदर एक फैन चल रहा भाई, इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, कान बहरे कर दिया उसने भाई। इस जैसा बंदा नहीं देखा होगा तुमने पूरू जैसा भाई, अंदर 4 बार चला गया, बार बार पूछ रहा है कब मिलेगा पिज्जा, कब मिलेगा। भूखी आत्मा है जो 24 घंटे भूखी रहती है, कितना खिला दो इनको, अजीब जानवर है, जितना भी खाए भूखा ही रहता है। ये देखो भाई लड़की का चक्कर बाबू भैया, क्या लड़की लड़का है। गाइस फाइनली हमारा पराठा पिज्जा आ चुका है, अबे पूरू तेरे से खुल भी नहीं रहा यार, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कितना छोटा है ये तो, पिज्जा का बच्चा है, एक स्लाइस के बराबर पूरा पिज्जा है। क्या यार पूरू पैसे खराब करवा दिए तूने, हम तो सोच रहे बढ़ाएगा थोड़ा बहुत। बाकी गाइस देखने में तो बढ़िया लग रहा है, तो गाइस अभी खाते हैं। गाइस मैंने तो ऑरिगेनो भर लिया भाई पूरा, ये क्या बच्चों की तरह खा रहे हैं, थोड़ी बच्ची हो क्या। ये देखो भाई पिज्जा का पोस्टमार्टम करके खा रहा है भाई, अपना अलग पिज्जा बना रहा है, आपको नहीं पता पिज्जा का पेट फाड़ के फिर सॉस भर के खा रहा है उसके अंदर। गाइस अभी हम जा रहे हैं बीकानेर वाला में,
भाई ये मस्त रेस्टोरेंट है यहाँ पे। बाकी यार आज भीड़ बहुत ज्यादा विशाल, जब पिछली बार आए थे नया नया खुला था, अब फेमस हो गए भाई। आज तो हाउसफुल चल रहा है और वीकेंड भी नहीं है भाई, बुधवार ही है। पूरू को भाई भयंकर प्यास लग गई थी। ओए हैंड वॉश का पानी पी गया भाई, ये हैंड वॉश का पानी पी गया भाई। यार तेरे पर ला लेता यार, एकदम से आया भाग के, हैंड वॉश वाला पानी पी गया। फ्रेश वाटर कहाँ लिखा? फ्रेश वाटर ये देखो, फ्रेश ग्लास लिखा है। ये देखो हैंड वॉश भाई, शुक्र है इसे दिख गया, नहीं तो इसको शक हो गया था। ये सोच रहा सच में ही पी लिया भाई, प्यास में तो हैंड वॉश वाला पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई कहाँ के बैठे हैं, पूरा रेस्टोरेंट क्रॉस करके सबसे लास्ट में आके बैठे हैं। और जगह नहीं मिली क्या तुम्हें? इधर देखो, टेंटनाटन ढोकला, इडली ढोकला, पिज्जा ढोकला, वेजिटेबल ढोकला, टेंटनाटन ढोकला, टेंटनाटन ढोकला आएंगे आज। ये देखो टनाटन ढोकला, टनाटन टन ढोकला भाई, आज इन्हें खिलाता हूँ टनाटन ढोकला। मैं कहूंगा फिर ढोकला लेके चलती है 9 से 12। काउंटर की लड़की भी तो गाय जब हम ऑर्डर करने आए हैं। ये देखो भाई साहब हमारा मस्त ढोकला। तो गाय जब हमारी मील आ चुकी है, पूरू की डिमांड थी जलेबी खाने की, मगर भाई बैड लक जलेबी मिली नहीं, टनाटन ढोकला खाएगा ये। अब कह रहा अच्छा नहीं है, टनाटन ढोकला पसंद नहीं आएगा, तो हमने मंगा लिए थे बल्ले पापड़ी। भाई अब देखो शाम का व्यू मॉल का, भाई बहुत ही मस्त चल गए मॉल, बहुत पब्लिक आनी शुरू होगी यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे शायद को गाड़ी चलवा के ले गए थे। तो गाइस अभी खा पी के आ चुके हैं, अभी जा रहे घर की तरफ। टनाटन ने खराब कर दिया मूड, इसने पिज्जा मंगाया वो छोटा सा पिज्जा, एक स्लाइस जितना पूरा पिज्जा था वो। तो गाइस देखो खैबी आ चुका है अभी। भाई कहाँ रहता है तू, आता क्यों नहीं आजकल? पतंग उड़ाता हूँ। गाइस ये खैबी ना बहुत खतरनाक पतंगबाज है, धूप में पतंग उड़ाता रहता भाई, ये पढ़ता नहीं है मगर अभी पढ़ के आ रहा से। तो गाइस अभी आ चुका हूँ घूम घाम के घर, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।